हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको ग्रीन इग्वाना के बारे में फुल डिटेल्स बताऊंगा कि आपको एडल्ट लेना चाहिए या बच्चा लेना चाहिए, और किस एज का लेना चाहिए, क्या डाइट है और कैसे टेम करना है। ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको कौन से इग्वाना ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्रीन, येल्लो या ऑरेंज, जो भी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो अब। सो गाइस, पहले मैं अपने इगुआना को पहले खाना खिला देता हूँ। अब तक फीडिंग कर देता हूँ मैं इसको। ये देखिए, इस काफ़ी थोड़ा डरता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है। और मैं नॉर्मली इसको देखो खेतों पे छोड़ देता हूँ। ये एक्चुअली मेरे घर के साइड में हमने छोटा सा मतलब सब्जियाँ उगाने के लिए एक खेत बना रखा है। इसमें बहुत सारी है और इसमें ओवरऑल सारी सब्जी है, पालक वगैरह, ग्रीन सब्जी वगैरह सारी है। तो गाइस, हम बात करते हैं इगुआना की। जब मैं सबसे पहले अपना इगुआना लाइक आया था तो मेरा इगुआना समथिंग 2 से 3 मंथ्स का था। तो आप मेरी, मतलब मैंने वीडियो से रील्स डाल देखी, उस टाइम आप देख सकते हो कितना छोटा कितना बड़ा था। तो समथिंग 2 से 3 मंथ का था। तो मेरे फैमिली वाले डर गए थे काफ़ी कि क्या है ये, जहरीला तो नहीं है, क्या खाता है क्या नहीं। तो ये इससे डर रहे थे बहुत कि ये कोई जहरीला वहरीला तो नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि वो सब, ये सब ऐसा नहीं है। मैंने खूब उन्हें कोशिश करी, फिर वो मेरी बात को मान गए। तो गाइस, अभी जो मेरा इगुआना है, इसकी एज समथिंग, अभी मेरे हिसाब से जो इसकी एज है, मतलब 2 2 2 मंथ्स का लेके आया था। तो अभी ये समथिंग 11 मंथ्स का हो चुका है और काफ़ी लंबी इसकी हाइट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही लंबा इसकी हाइट हो चुकी है। और मैंने इसकी केयरिंग क्या करी, मैं इसको गर्मियों में लेके आया था, मतलब गर्मियों में। तो गर्मियों में नॉर्मली इसको मैं धनिया वगैरह पे फोकस करा ज़्यादा। मैंने धनिया हो गया, वैसे ही ग्रीन सब्जी वगैरह सब सारी खा लेता है, फ्रूट्स भी खा लेता है। और मैंने इसको धनिया वगैरह, मतलब खूब केयरिंग करी इसको। मैंने धूप में आधा घंटा भी रखा गर्मियों के टाइम, क्योंकि धूप से इनका ये होता है कि जब इन पे धूप पड़ती है तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा वर्क करता है इगुआना का। तो इन्हें भूख अच्छी लगती है और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो नॉर्मली गर्मियों में मैं इसको इस केज में रखता था, छोटा सा केज है इसके हाइट के हिसाब से। और अभी मैं ये केज नॉर्मली धूप धूप वगैरह के लिए ऊपर छत पे ले जाता हूँ उसे, तो इसी केज में लेके जाता हूँ। बाकी मैंने इसका सेटअप बना रखा है इगुआना का, एक्वेरियम सेटअप मैंने बना रखा है। तो गर्मियों के टाइम मैंने इसकी ज़्यादा इतनी केयर नहीं करी, ज़्यादा कोई केयरिंग की नहीं है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, मतलब कोई भी जानवर हो देखो सारे अच्छे लगते हैं, बट उनको टेम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो हो जाते हैं। आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, कोई भी पेट्स हो कोई भी जानवर हो, उनको बहुत टाइम देना पड़ता है। और गाइस, अब जैसे कि हमारे यहाँ पर ठंड आ चुकी है, मतलब तो ठंड में इसकी सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जैसे कि कभी कभी किसी घरों में धूप नहीं आती, तो इसके लिए नॉर्मली एक यूवी लाइट आती है। तो आपको यूवी लाइट इसको बहुत ही, मतलब सम 8 से 10 घंटे आपको यूवी लाइट इसको देनी पड़ेगी। और कोशिश करें कि इसको ग्रीन वेजिटेबल्स में, गर्म सब्जियाँ जैसे पालक मेथी ज़्यादा फोकस करें, बाकी धनिया वगैरह गाजर वगैरह तो ये खा लेता है, बट आप कोशिश करें कि ज़्यादातर ये ग्रीन और गर्म होनी चाहिए। और इतना कोई इसका वो नहीं है, और बहुत ही प्यारा पेट है ये, और बहुत ही इजी टेम्ड हो जाएगा। एंड मैं टेम्ड होने का आपको उसका तरीका बता देता हूँ कि कैसे टेम्ड होता है। मैं आपको अगली इसी वीडियो में आपको बताता हूँ कि बहुत ही ईजी इसको टेम्ड करना है। और गाइस, की कुछ कुछ जो ख़ास बात है, जो इसके सबसे ख़ास बात है कि ये जब भी छींकता है, जैसे हम लोग इंसान छींकते हैं, तो इनके छींकने में एक सॉल्ट निकलता है, सॉल्ट नमक टाइप का इनकी छींक में। दूसरा, आप जो उसके हेड देख रहे हो, ये हेड, हेड के ऊपर इसका जो हेड है, इसके हेड में एक थर्ड आइज बोली जाती है। कहने का मतलब कि थर्ड आइज मतलब कि जैसे कि अब मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ ऊपर से जाके, तो उन्हें ना एक मतलब फील हो जाता है कि कोई हम पे अटैक कर रहा है, कोई भी जानवर या अदरवाइज कोई भी बर्ड्स वगैरह। तो
हम पे अटैक करा, तो ये एकदम ही अलग, एकदम एग्रेसिव भी हो जाता है, और ये ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं, और ये एक तरह का बहुत अच्छा रेप्टाइल है। आप इसकी मतलब केयरिंग अच्छी करें तो बहुत अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम इसकी बात करते हैं हाइट की, तो इसकी हाइट जो फीमेल की हाइट है वो 5 से 6 फीट होती है, और जो मेल होता है, और मेल की हाइट जो होती है वो 7 से 8 फुट तक जाता है जो मेल होता है। और बात करते इसमें जो कलर की है, इसमें एक आपका ब्लू कलर आता है, स्काई ब्लू, और एक तो ये आपके सामने ग्रीन, दूसरा मतलब तीसरा आपका येल्लो, और चौथा आपका ऑरेंज। वैसे आप देखो तो येल्लो, ऑरेंज और ब्लू बहुत ही प्यारा यूनिक सा लगता है, बहुत ही क्यूट सा लगता है इसका जो कलर है वो वाला, मतलब ऑरेंज येल्लो और ब्लू, बहुत ही प्यारा कलर है। आप इसे मतलब आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। और रही परचेजिंग की बात, तो आपके नियर बाय जो भी पेट शॉप वगैरह होगी तो आप वहाँ पे पता कर लीजिएगा, क्या पता वो आपको प्रोवाइड करवा दे। और दूसरी चीज़ इसकी ये है, जो अब इसकी प्राइस की बात करते हैं, इसका जो प्राइस है, देखो हर स्टेट में अलग अलग प्राइस है, कोई 6 का भी दे देता है, कोई 10 का, कोई 12 का, बट जो सबसे सस्ता है वो ग्रीन कलर का है, ये वाला, ये ग्रीन कलर वाला जो है सबसे सस्ता है। मतलब कि आप किस हिसाब से उनसे पेट शॉप वाले से कैसे बात करते हो, मतलब किस हिसाब से उससे परचेजिंग करते हो, क्या वो आपको रेट देगा, ये मैं नहीं कह सकता। और रही मेरे वाले की, तो मैंने अपना 12,000 का परचेज़ किया था, जिसका मुझे पता नहीं था, बट जो भी था मेरे को बेस्ट प्राइस लगा, मेरे हिसाब से मैं इसको सपोर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा इसका प्राइस लगा। और इसकी जो मैंने आपको खास बात आपको बताई ही है कि इसकी थर्ड आइज भी होती है इसके हेड पे, और बाकी जब ये छींकते हैं तो एक मतलब सॉल्ट टाइप का होता है। और दूसरा जो मेरा इसका रिव्यू है ओवरऑल लेके, तो नॉर्मली आप इसको 3 टाइम्स खाना दे सकते हैं, 3 टाइम्स, वही अपना जैसे हम करते हैं मॉर्निंग, और आपका ये इवनिंग हो गया, और आपका दिन में, तो आप इसको 3 टाइम अपना दे सकते हैं। और एक चीज़ और, ठंड में कभी कभी क्या होता है कि ये कम खाते हैं, वो रीज़न इसलिए कि इनको धूप नहीं मिलती, धूप नहीं मिलने की वजह से ये कम खाते हैं ज़्यादातर। तो कोशिश करें कि अगर आपके घर के आसपास, इस आपके घर के आसपास अगर धूप वगैरह ना आए तो आप इसको यूवी लाइट प्रोवाइड करा सकते हैं, अगर आए तो आप नॉर्मली इसको अपने धूप में रखिए, मतलब 8-9 घंटे धूप में रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कोशिश करें कि एक बड़ा सा स्पेस बना के वहाँ पे यूवी लाइट लगाते हो, तो उस यूवी लाइट के जो फोकस है नीचे रहना चाहिए, और उसके आसपास थोड़ा मतलब कि ठंडा ठंडा माहौल रहना चाहिए। जब भी ये आए, जब भी इसको मतलब लगे कि ठंड लग रही है, जब भी जो भी हो, तो यूवी लाइट के नीचे अपने आप आ जाएगा। और अपने सेटअप में एक मतलब 2-4 लकड़ियाँ टाइप की रखे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, जिस पर ये बैठ सके ईजी आराम से, तो जब भी इसको नॉर्मल जगह पे आना होगा तो ये नॉर्मली आ जाएगा, और इसको जब उस जगह पे जाना होगा कि मतलब नॉर्मली यूवी लाइट के नीचे, तो चले जाएगा। और गाइस जो मैंने इसमें नोटिस करा है कि इसमें हर 10 से 15 दिन में, ये हर से दस हर दस दस से 15 दिन में इसकी जो स्किन है ना, स्किन उतरती है इसकी बॉडी पे। आप इसको देख रहे हो, अब इसकी उतरने वाली, इसके लेग्स देखो, आप इसके लेग्स देख रहे हो, इसको और ये कलर देखो, आप देखो इन दोनों कलर को आप देखो, तो ये अब इसकी एक न्यू स्किन आ रही है, तो ये आप उसको उतारना नहीं, ये अपना उतार लेगा। और दूसरी चीज़ ये क्या होती है कि जब भी हम इसको अब इसके एक्वेरियम से बाहर निकालते हैं या केज से बाहर निकालते हैं, तो आप एकदम से ना इसके पास झटके से मत जाइएगा, और एकदम झटके से एकदम गेट मत खोलिएगा, क्योंकि ये उस टाइम एग्रेसिव हो जाता है और ये डरने लगता है कि ये मतलब मेरे पे अटैक करेंगे नहीं करेंगे, ये तो आपको ये लगेगा तो ये भागेगा आपसे। और जो मैंने इसमें नोटिस करा है ज़्यादा से ज़्यादा, कि बहुत अच्छा पेट है, बहुत इजी है, बट एज इसकी गाइस बहुत कम है, समथिंग 15 से 20 साल इसकी एज है, बाकी डिपेंड करता है आपकी डाइट वगैरह पे, 1-2 साल ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए वो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। बहुत प्यारा पेट है और आप इसको पाल सकते हैं इजीली, आप इसको परचेज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी अपने अपने शौक की बात है कि इसे परचेज़ करना। और
गाइस तो बात है अब कि आपको कौन सा इगुआना परचेज करना चाहिए। देखो कलर तो मैंने आपको बता दिए थे, बाकी कलर आप पे मैटर करता है कि आपको कौन सा कलर पसंद है, और प्राइस का भी आपको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से आप इसको छोटा लेके आइएगा, मतलब छोटा मतलब 1 मंथ 2 मंथ का लेके आइएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं उसको इजीली टेम करना तो बहुत इजी टेम्ड हो जाएगा, आप इसे बहुत इजी टेम कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि छोटा से छोटा लाएं, क्योंकि बड़ा आप बहुत ही पॉसिबल नहीं है कि आप टेम कर पाएं उसे, और काफ़ी अग्रेसिव है और काफ़ी खुले में रहता है, खुली जगह चाहिए, ग्रीन ग्रीन चीज़ें चाहिए होती हैं इसे, तो बहुत ही एग्रेसिव है ये। अब बात है कि अब मैं आपको एक चीज़ लाइव दिखाता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि एकदम डर जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए मैं एकदम, ये देखिए अब ये तो मैंने टेम कर रखा था, इस वजह से ये जा नहीं रहा है, डरने डर डर नहीं रहा है ये, तो अभी ये देखिए ये बिल्कुल नहीं डर रहा है, तो मैंने इसको टेम कर रखा है। बहुत ही प्यारा पेट है, देखिए अभी मेरे पास ऊपर आएगा, अब देख सकते हैं गाइस बहुत प्यारा पेट है, कलर कितना प्यारा है इसका, ये देखिए। और गाइस एक चीज़ और, बहुत से लोग इसको समझते हैं गिरगिट, इंडियन में इंडिया में गिरगिट समझते हैं, बट गाइस ये कोई गिरगिट नहीं है, ये गिरगिट नहीं है। गिरगिट जो होती है वो कीड़े मकोड़े वगैरह खाती है, ठीक है, और वो जहरीली होती है, और गिरगिट की समथिंग 1 फीट 1.5 फीट तक की होती है, बट ये कोई गिरगिट नहीं है। ये काफ़ी इंडियंस लोगों के दिमाग में यही होता है कि देख के कि गिरगिट है। अच्छा जब इसको बड़ा वाला देखते हैं, मतलब जब इसकी फुल एडल्ट हो जाता है फुल एज के साथ, जब इसको गिरगिट नहीं बोलते हैं। तो गाइस अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप इसको इजीली कैसे टेम करें, जब भी आप बच्चा लाओ तो मैं आपको इजी आपको टेम करने का तरीका बताता हूँ। तो गाइस अब बात है इसको टेम करने की, जब भी आप छोटा पेट लेके आते हैं इगुआना 1 मंथ से 2 मंथ का, तो उसे समझने में टाइम लगता है आपको और आपको उसे। गाइस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा इसकी, अगर आप इसको टेम करना चाहते हैं कोशिश करें कि आप इसको अपने हाथ से खाना खिलाएं, अपने हाथ से जो भी ये खाता है ग्रीन वेजेस वगैरह जो भी हो, आप इसे अपने हाथ से खिलाएं, कोशिश ये करें। और दूसरा कि मैं आपको आपको इसके मेन ट्रिक मतलब मेन चीज़ बताता हूँ कि ये इजी आपके हाथ में कैसे बैठेगा, और इसको कोशिश करके हाथ में बैठा के ऐसे खाना खाएं, बट ये बैठेगा कैसे हाथ में, आप इसको हाथ में कैसे बैठाएं, देखिए आप इसके ऊपर आपको ये दिख रही है लाइन, ये 3 धारियाँ 4 5 धारियाँ दिख रही है, आप इसको ईजिली बहुत प्यार से ऐसे मतलब इसको करें, बहुत ही प्यार से पूरा, ठीक है, बहुत प्यार से इसको करें। और दूसरा आप इसके देख लो नीचे ये, इसको भी बहुत प्यार से रब करें, और इसको ऐसे कर करके इसके हाथ में इसको आप नॉर्मली हाथ से मतलब इसको खाना दे सकते हैं। ये देख रहे हो आप, ध्यान से देखिए ये 4 5 लाइन आपको दिख रही होगी, तो आप नॉर्मली इसको आप सुबह शाम जब भी आप खाना खिलाएं, और कोशिश करेंगे अपने पास ही रखें, अपने पास ही सुलाएं, मतलब जैसे भी आपको अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से इसको खिलाएं पिलाएं, और नॉर्मली ये चीज़ करते रहें रब। बहुत प्यारा पैक है गाइस, बहुत प्यारा, और जब इसकी हाइट बड़ी होगी, और मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैट हैं ऑलरेडी, जैसे कि मेरे पास 2 डॉग्स हैं और बर्ड्स हैं और छोटी छोटी फिंचीज हैं, पैरेट्स हैं, तो मैं उनकी भी रील्स वगैरह मतलब शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं इजीली कि कैसा है गाइस। और इसके आप देख रहे हो उसके नेल्स कितने पड़े हैं, अभी ये काफ़ी चुभते हैं, और आपको मैं नेल कट करने का ऑप्शन भी बताऊंगा, और अभी तो ये छोटा भी इतना चुभ रहे हैं, तो बड़े में तो बहुत ज़्यादा चुभते हैं ये। गाइस नेल कटर होगा आपके पास, उस नेल कटर पे बेबी नेल कटर से हल्का सा मतलब पकड़ के उसको, जहाँ से हम नाखून काट के उसको रब करते हैं शेप में लाते हैं, तो आप नॉर्मली इसके नेल्स पकड़ के हल्का का 1 2 बार उसको रब करें, तो ये जो उसकी शार्पनेस है शार्पनेस खत्म हो जाएगी, और आपके पास ही नॉर्मली चुभेगा नहीं। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो, और ये देखिए मेरे इगुआना की हाइट आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा पेट से मिला है ये देखिए।
समथिंग इसकी हाइट 2 से 2.5 फीट होगी, 2 से 2.5 फीट इसकी हाइट होगी। और अभी मैंने इसको फीडिंग कराई है, कितना प्यारा पेट है गाइस। और गाइस कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू गाइस।